गरीब गरीब क्यों है? गरीब है सो बीमार क्यों है? बीमार है सो गरीब है? उसके बारे में प्रश्न दोनों पूर्व है। प्रश्न गरीब है सो बीमार है, बीमार है सो गरीब क्यों है? गरीब ही बीमार है, उसके बारे में बात में एक होगा। अभी आपने जो प्रश्न किया कि जो गरीब है वो बीमार क्यों है, जो बीमार है वो गरीब क्यों है, उसका उत्तर भी आपने ही दिया। आपने पीछे कहा कि दोनों पूरक है, यानी जो गरीब है वही बीमार है और जो बीमार है वही गरीब है। प्रश्न भी आपने कर दिया और उत्तर भी आपने दे दिया। मुझे कुछ ऐसा ज्यादा उसमें बताना नहीं पड़ा, पर फिर भी कुछ पूछा है आप और उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं जरूर उसको आगे बढ़ाऊंगा। दर्शन में ये जो गरीबी है ये प्रारब्ध का फल है और जो बीमारी है वो गलती का फल है। भाग्य से बीमारी किसी को नहीं आती है, गरीबी भाग्य से आती है। दोनों में इतना फर्क है। अगर किसी को जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, तो ये भाग्य में नहीं होता, ये प्रकृति की मार है। आपके शरीर की क्षमता कम होती है रोगों से लड़ने के लिए, तो आपको बार बार सर्दी हो सकती है, बुखार आ सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, टीबी हो सकती है। और अगर आपके अंदर कोई और विशेष विशेषण है तो आपको और भी बड़ी बीमारी कोई हो सकती है। जिसको ठीक किया जा सकता है वो गलती का परिणाम है और जिसे किसी भी हिसाब से ठीक नहीं किया जा सकता है वो भाग्य का परिणाम है। तो गरीबी जो है वो भाग्य से प्राप्त होती है। पर शास्त्र कहते हैं कम पुरुषम यत भूपानाम यथा मानव सेवा। गरीब बहुत दुनिया पैदा हुई है पर बाद में धीरे धीरे वो गरीब नहीं रहे। आप लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, अब ये छोटे छोटे बच्चों का तो मैं नहीं कह सकता, पर आप जितने लोग हैं ये सब अमीर पैदा नहीं है, ये टोटल गरीब पैदा हुए। ये सब खेती किसानी वाले लोग हैं, झोपड़ियों में कच्चे मकानों में जन्म लिया है और धीरे धीरे उस परिस्थिति को भी छोड़कर आज हम लोग खाते पीते घर के हो गए और देश के इतने बड़े दूर क्षेत्र में आकर हमने अपनी पकड़ बनाई है, अपनी भेंट बनाई है, पहचान बनाई है। ये पुरुषार्थ का फल है। पूर्ण रूप से जो आदमी परिश्रम करता है वह भाग्य को भी पराजित कर सकता है। भाग्य चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो पर अच्छी संगति मिल जाए, अच्छा साधु संत गुरु मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छे रिश्तेदार मिल जाए, तो भाग्य को भी बदला जा सकता है, भाग्य भी बदल जाता है। कभी भी कमजोर भाग्य को पाकर के हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस दुख को काटने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर हम अपने भाग्य को लेकर दुखी रहेंगे तो जीवन में न काम में मन लगेगा, न दुकान में मन लगेगा, न कुछ करने की इच्छा होगी। पहले ही भाग्य के मारे हुए हैं और सोच सोच के और भी नुकसान होता चला जाएगा, हमारा भाग्य कमजोर होता चला जाएगा। इसीलिए जो हमने भाग्य को निर्माण करना है तो गरीबी से घबराना नहीं है। गरीबी में तो आपने देखो राम के अवतार में अगर आप कथा सुनते राम कथा, तो उसमें गरीब की बड़ी महिमा भगवान राम ने गाई है। भागवत की कथा सुनते हैं तो भगवान कृष्ण ने भी गरीब की महिमा गाई है और उन्होंने दर्शन भी कराया। दुर्योधन के मेवा त्यागे सास विदुर घर खायो जी, दोनों एक ही गली में रहते, शीशे के महल में रहने वाला दुर्योधन भी और एक घूस की झोपड़ी में रहने वाला विदुर भी, पर बिना नियुक्ति के बिना आमंत्रण के भगवान कृष्ण विदुर जी के घर गए और जिसने आमंत्रण किया भोजन का भगवान ने उसके 56 प्रकार के भोजन का त्याग किया और उन्होंने गरीब विदुर जी के घर में जाकर मटकी में पके हुए बथुए के साथ उठाया। तो इसका मतलब है कि अमीरी से ज्यादा भगवान को गरीबी प्रिय है, पर उसके लिए ईमान अच्छा होना। एक तो गरीबी और ऊपर से दिल बेईमान हो जाए तो आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता। गरीबी में आदमी को संगठित रहना चाहिए। चार भाई गरीब हैं, चार
चारों मिलते रहें। अगर गरीबी है तो पति पत्नी दोनों मिलते रहें। गरीबी है तो किसी से ईर्ष्या ना करें, गरीबी है तो किसी से जले ना, गरीबी है तो किसी से दुश्मनी ना करें। जितनी गरीबी तुम्हें सताए उतना तुम प्यार बढ़ाओ समाज से, कोई न कोई समाज का प्राणी तुम्हारी उंगली पकड़ेगा और तुम्हें अमीर बनाने के रास्ते पे छोड़ेगा। पर एक तो खुद गरीब और दूसरे अमीरों से जलते रहो और भूनते रहो तो जीवन में कभी भी हम अमीर नहीं हो सकते। हमारी दुनिया उजड़ती रहेगी, उजड़ती रहेगी। ये धर्म है। जो देश कमजोर पड़ता है वो दूसरे देशों की मदद ले युद्ध के समय। इसका मतलब है कि कमजोरी में मदद चाहिए तो मदद के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम के सिवाय मदद कभी मिलती नहीं। अगर आपका प्रेम है समाज में अड़ोसी पड़ोसियों से, तो आपको आटा मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा, मेहमान आएंगे गुदड़ी मिल जाएगी, चादर मिल जाएगी। पर अब पड़ोसियों से ही झगड़ा है तो मेहमान आएंगे तो गुदड़ी चादरी कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसीलिए अपनी परिस्थिति में भी अच्छी स्थिति को पैदा करने के लिए प्रेम बहुत जरूरी है, ईमान जरूरी है। गरीबी हो सकती है संसार में, धन से हो सकती है, पर आपके दिल में अगर जगह है तो आप गरीब नहीं रहोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने बहुत दुनिया को बचपन में मैंने 24-25 देशों की यात्रा की, पढ़ाई के देश पर। पढ़ने में मैं इतना अच्छा हूँ बचपन से, संस्कृत के बेस पर मैं 24 देशों में भ्रमण कर लिया। बहुत देशों में मैंने बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त कर लिए, बहुत इनाम प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर लिया देश और विदेशों में। मैंने वही सीखा परिस्थितियों में आदमी किस तरह से स्थिति खड़ा करता है, वो आगे बढ़ता है। देखिए हमारे घर में कितना सारा कूड़ा करकट निकलता है, हम उसे डस्टबिन में डालते हैं और गाड़ी आती है नगर पालिका की उसमें डाल देते हैं, या घर के बाहर जाके कहीं पटक देते हैं। आपका जो कूड़ा है उस कूड़े में से भी कूड़ा उठाने वाले को छांट के ले जाते हैं, उससे वो अपना घर चलाते हैं। जो तुम्हारे लिए बेकार हो गया उसे किसी ने कार बना के घर चला लिया तो आप भी घर चला सकते थे, पर आपकी वो जरूरत नहीं थी इसलिए आपने फेंक दिया, और उसी फेंकी हुई वस्तु से किसी ने अपना घर परिवार रोजगार बना लिया। ये इसीलिए बना लिया क्योंकि उसके पास में अकल है करने के लिए, मेहनत करने के लिए लालच है, ईमान है, तो उसने कचड़े में हाथ डालकर कुछ निकाला और बाजार में बेच कर कुछ कमाया। आप जिसे कचड़ा समझ रहे थे क्योंकि आप थोड़े खाने पीने वाले हो गए, चार पैसे नहीं आपके पास, तो आपको हर चीज में कचरा नजर आ सकता है। और जिनके पास नहीं है उनको कचरे में भी सोना नजर आता है और वो ढूंढते हैं। तो मेरी इच्छा क्या है, आज रामनवमी है तो आज के दिन हम सब लोग संकल्प लें, दुनिया से जो चीज फेंकी जाती है उसमें से भी कुछ अच्छा लिया जा सकता है अगर हमारे पास में सोच अच्छी है, विचार अच्छे, हमारा चिंतन अच्छा है। और हम अगर खोज करना चाहते हैं तो सोने से खोज नहीं करो, मिट्टी से सोना खोज करो, क्योंकि सोने से तो सब सोना खोज लेते हैं, मिट्टी में से सोना खोजने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं, उसको ये रिसर्चर कहते हैं। जहां कोयला निकलता है काला वहीं सोना निकलता है। अब कोयले में से सोना बनता है, आप तो बने बनाए को फेंक रहे चमका चमका आता है, पर भैया काले सोने को गोरा करने वाला मेहनती आदमी जो होता है उसकी महिमा है। उसने कैसी खोज की इसकी, कैसे मिट्टी में से सोना निकाला, कैसे चांदी मिट्टी से निकाली, कैसे मार्बल निकाला, ये तो चले गए खोजने वाले, हम तो रबड़ी को मजा ले रहे, हम तो बने बनाए पर कमा रहे हैं ना, हमने कुछ बनाया नहीं। हमारी मेहनत तो है, हम पुरुषार्थ को करते हैं, पर हम निर्मित वस्तु को देख रहे हैं, जो हमारे ऋषियों ने हमारे पूर्वजों ने दे दिया हम उस पर खा कमा रहे हैं। इसीलिए मेरा बस एक ही इरादा रहा बचपन से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में जो मिल रहा है उसे लीजिए, जो सीखा गया है उसे आगे बढ़ाइए, पर कुछ नया करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जो नया करते हैं उससे लाखों लोगों की जिंदगी बनती है और जो कमाया हुआ करते हैं उससे बहुत लोगों की जिंदगी नहीं बनती है। तो कमाया हुआ हम सब करते हैं, मैंने बहुत कुछ कमाया हुआ सीखा है, ऋषि मुनियों का बताया हुआ सीखा है, पर मैंने अपना भी बहुत कुछ तैयार किया है, और जो मैंने तैयार किया है उससे लाखों करोड़ों लोगों का भला हुआ है,
और भी भला होता ही रहेगा, क्योंकि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज नया कदम बढ़ाना चाहिए। पुराने कदमों पर चल के आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप एक नया कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक न बीमारी दूर होगी न गरीबी दूर होगी। बीमारी भी दुख का ही कारण है और गरीबी भी दुख का ही कारण है। इन दोनों से दुख शरीर को मिलता है, गरीबी से शरीर को दुख देती है और बीमारी भी शरीर को दुख देती है। शरीर को धन की जरूरत है और स्वास्थ्य की भी जरूरत शरीर को है। इसीलिए सबसे बड़ा धन राजस्थानी लोग कहते हैं, सबसे बड़ा सुख भी राजस्थानी लोग कहते हैं, वो है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख अच्छी नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिसके घर में ये चार चीज होती हैं, उसे किसी भी काशी द्वारिका वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके घर में स्वर्ग अवतरित हो जाता है। जिसके घर में अच्छी नारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, शरीर अच्छा हो और लक्ष्मी अलमारी में खेलती हो, कूदती हो, आती जाती हो, वो धन्य प्राणी है। यही गरीबी का फार्मूला है दूर करने का, स्वास्थ्य का दूर करने का फार्मूला क्या है? आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, सत्व शुद्ध, दुर्गो स्मृति। पतंजलि ऋषि ने कहा, अगर तुम्हारा आहार अच्छा होगा तो तुम्हारा शरीर व्यवहार बुद्धि मन चित्त सब अच्छे होंगे। अगर आहार अच्छा नहीं है तो कितने भी कीर्तन कर लो, कीर्तन में भी उंगली करे बगैर तुम नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है। तो सत्संग से भी तुम्हारे कानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, कई बच्चे कैसे होते हैं, अभी निलाया और अभी गंदे हो जाते। मम्मी निला के कपड़ा पहनकर नहाने गई बाथरूम में और जब तक वो पूरा गंदा होकर बैठा है। कई बच्चे ऐसे होते, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मी ने आज नहा दिया तो कल तक भी गंदे नहीं होते। तो जो बार बार गंदा होता है उसे कितनी बार भी स्नान कराओ उसके लिए कोई महत्व नहीं है। पर माँ का फर्ज है कि वो जितनी बार गंदा देखे उतनी बार उसे पवित्र करने का कोशिश करे। इसलिए मैं साधु हूँ, आपके माँ जैसा ही हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है कि आप सुधरो न सुधरो, पर मुझे सुधारने का मार्ग हमेशा बताना है और बताते रहना है। और आज भी मैं वही आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद।